हिंदी न्यूज़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ सहारा इंडिया कार्यालय में जमाकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ इस वक्त हमारे पास उत्तराखंड से आई है। सहारा इंडिया कार्यालय में जमा धन का भुगतान नहीं होने पर खाताधारकों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कार्यालय में तालाबंदी कर बैंक के खिलाफ नारेबाजी की। सोमवार को पूर्व सैनिक संगठन व्यापार संघ के सदस्य सहारा इंडिया कार्यालय पहुँचे और तालाबंदी की। ललित सिंह ने कहा कि जमाकर्ताओं का 2017 में भुगतान होना चाहिए था, अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। लोगों ने सहारा इंडिया बैंक में अपनी मेहनत की कमाई जमा की, पर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर बैंक कर्मी भुगतान लटका रहे हैं। लोगों ने परिवार के मुसीबत के समय के लिए पूंजी रखी थी। जी हाँ दोस्तों, ये पैसा सभी लोगों ने अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए जमा किया था। तो दोस्तों, खुद मुसीबत बन गया उनका जमा पैसा। जमाकर्ताओं ने बैंक में जमा पूंजी जल्द नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान व्यापार संघ अध्यक्ष शमशेर मेहर, कमल सिंह, हरीश तिवारी, अनिल बिष्ट, राजेंद्र सिंह मौजूद रहे। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास उत्तराखंड से निकल कर आ रही है, जहाँ पर जमाकर्ताओं ने कार्यालयों पर ताले लटका दिए हैं और वहाँ पर खड़े होकर नारेबाजी की। तो दोस्तों, इस वक्त सहारा इंडिया की ब्रांचों का क्या हाल है, ये किसी से छुपा नहीं रहा है। एम्बागरो और सेबी का बहाना बनाकर निवेशकों का पैसा अपने व्यवसाय में लगा रहे हैं और अपनी औद्योगिक इकाइयों को आगे बढ़ा रहे हैं और गरीबों का पैसा लेकर बैठे हुए हैं सहारा सुब्रत राय। दोस्तों, ये बड़ी विडम्बना की इस वक्त बात है। ना कोई सरकार, ना कोई सुप्रीम कोर्ट निवेशकों का साथ दे पा रही है। यहाँ तक कि सेवी विभाग का भी रोल यहाँ पर ख़त्म होता नज़र आ रहा है दोस्तों। और आज सहारा इंडिया के जितने भी जमाकर्ता हैं वो परेशान हैं और दुखी हैं सहारा इंडिया में पैसा जमा कर। लेकिन सहारा इंडिया है कि निवेशकों को खून के आंसू रुलाने पर मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों, हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी छोटी बड़ी न्यूज़ हमारे पास कहीं से भी आती है आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, न्यूज़ अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि सभी निवेशकों तक ये इनकी चोर बाजारी सामने आ सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।